देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया हमारा ये कॉफ़ी केक बनके तैयार हुआ है। तो आपने आपको पता है किस तरह से हमने कॉफ़ी केक बनाया है? तो चलिए हम दिखाते हैं ये कॉफ़ी केक हमने बिना बेक किए हुए और कितना ही मॉइस्ट और कितना ही टेस्टी बनाया है। इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, हमने किस तरह से कॉफ़ी केक बनाया। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कॉफ़ी केक। तो ये कॉफ़ी केक हम इसको बेक नहीं करेंगे, बिना बेक किए हुए कॉफ़ी केक बनाएंगे। तो नो बेक कॉफ़ी केक, वो भी देखें बिस्किट से बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे 5 पैकेट इस तरह से मारी गोल्ड वाली हल्के जो लाइट बिस्किट होती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 5 पैकेट पूरा बिस्किट लिया है। उसको देखिए इस तरह से हम जार में इसको तोड़ लिए हैं। इसको इस तरह से तोड़ के हम इसका पाउडर बनाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। और इसमें देखिए शुगर पाउडर हम ले रहे हैं, और यहाँ पे ल्यूक वार्म मिल्क है। इसमें देखिए नेस्कैफे हमने लिया है 10 रुपए वाला पाउच, इसको इसमें हम डाल देंगे कॉफी को। तो ये वाला हम जो मिक्सचर बना रहे हैं इसको हम फ्रॉस्टिंग में भी यूज करेंगे। फ्रॉस्टिंग भी आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं और इसको किस तरह से यूज करेंगे, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो इसको इस तरह से कॉफी डाल के और हम मिक्स करके इसको साइड में रख देते हैं। और हम पहले इसका बिस्किट का पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम ले दें, ये बहुत ही आराम से इजिली क्रश हो जाता है। लेकिन इसको एक बार मिक्सी में चला के इसको हम पीस रहे हैं, फिर हम आपको आगे देखिए हमने बिस्किट को पीस लिया है। देख सकते हैं बहुत ही बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरा ही है। और थोड़ा बिस्किट हम यहाँ पे निकाल लिए एक बाउल, इसको हम बाद में यूज करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए इसमें हम मेल्टेड बटर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेल्टेड बटर हम यहाँ पे डाल रहे हैं स्पून से, ये 2 स्पून हम डाल दे रहे हैं। इसको अच्छे मिक्स कर देते हैं। इसमें हम ये कॉफी जो हमने मिक्स करके रखा है इसमें से भी ये स्मॉल स्पून से इस तरह से डाल देंगे, जिससे पूरा फ्लेवर कॉफी के इसमें आ जाए। ये देखिए 3 स्पून हमने डाला, बहुत ही टेस्टी कॉफी केक बनता है। इस तरह से करके इसको मिक्स कर देंगे। बिस्किट मीठी है लेकिन ये लाइट मीठा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें शुगर भी ऐड कर ले रहे हैं। तो ये शुगर पाउडर यहाँ पे हम ले रहे हैं इस स्पून से, बड़े स्पून से 1 स्पून। इसको मिक्स कर दे रहे हैं सब। ये बेस पे हमें लगाना है केक टिन के। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा ये तैयार हो गया। अब हम इसको ये देखिए एक केक टिन लिए हैं, इसमें नीचे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम सब डाल के इस पर नीचे इसका बेस तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से इसको इवनली इस तरह से सेट कर देते हैं नीचे। देखिए इसको हमने सेट कर दिया। अब इसको हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, जैसे सेट हो जाए तब तक हम आपको फ्रॉस्टिंग बना के दिखाते हैं। तो इसको हम फ्रिज में देखिए हमने यहाँ पे व्हिप क्रीम ले लिया है, इसको हम 2 मिनट के लिए इस तरह से करेंगे, बीट करेंगे। देखिए 2 मिनट तक हमने इसको चलाया। अब इसमें हम शुगर पाउडर धीरे धीरे करके डालेंगे। तो ये शुगर पाउडर घर में हमने बनाया है चीनी को पीस के, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम करके डालेंगे। देखिए फ्रॉस्टिंग हमारी बन गई है। हम इसमें वनीला एसेंस थोड़ा डाल रहे हैं और ये कॉफी का मिक्सचर। तो वनीला एसेंस यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून डाल दिया इसका, और ये कॉफी का मिक्सचर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे।
थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कॉफी का मिक्सर इसमें डालेंगे। देखिए हमने सब मिक्स कर दिया, इसमें जो कॉफी का हमने मिक्सचर बनाया था पूरा हमने देखिए धीरे धीरे करके डाल दिया, और ये शुगर पाउडर जो था इसको भी डाल के हमने पूरा शुगर पाउडर हमने यूज किया, वन बॉल पूरा भर के हमने शुगर पाउडर बनाया था। इसमें शुगर पाउडर इसलिए ज्यादा यूज किया क्योंकि कॉफी हमने देखिए पूरा पैकेट डाला है और बहुत ही तेज इसका फ्लेवर होता है कॉफी का, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ये शुगर पाउडर अगर पूरा ये वन बॉल यूज करेंगे तो आपका जो उसका टेस्ट होता है वो आपको कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप शुगर पाउडर इसमें ज्यादा यूज करिएगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली। अब हम उसको केक के ऊपर जो हमने फ्रिज में रखा है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है, अब इस पे हमने फ्रॉस्टिंग तैयार किया है ये कॉफी पाउडर वाला। ये देखिए इसको इस तरह से करके पूरा फैला के इवनली एकदम सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम डाल के इसको पूरा एकदम इसके बराबर में सेट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको इवनली सेट कर दिया है। अब इसको हम इसे टैप करके इसको हम कवर करके अच्छे से फ्रिज में हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम आपको दिखा। चलिए देखिए इसमें 4 घंटे हो गए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, अब अच्छी तरीके से ये सेट हो गया। हम इसको इस तरह से इसके शटर को इस तरह से हम ढीला करके इसको निकाल देते हैं। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया। अब हमने जो ये बिस्किट हमारे पास देखिए हम इसको बचा के रखे थे बाउल में, इसको हम इस तरह से इसके चारों तरफ से इसके बॉर्डर को डेकोरेट करेंगे इसी बिस्किट से। तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने बिस्किट के पाउडर से पूरा चारों तरफ से इसको हम डेकोरेट कर दिए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये कॉफ़ी केक बनके तैयार हो गया है, वो भी नो बेक, हमने इसको बेक भी नहीं किया है और ये बहुत ही अच्छा बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बना है। हम इसको आपको एक पीस कट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको पीस को निकाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट है, हम इसको इसके ऊपर से डेकोरेट कर दे रहे हैं देखिए इस तरह से, जिससे और भी इसका टेस्ट बढ़ जाए हमारे कॉफ़ी केक में। अभी बहुत ही सॉफ्ट बना है, हम इसको इस तरह से कट करके एंजॉय कर सकते हैं खाने में, बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप भी इस तरह से आप कॉफ़ी केक बनाइए और इसको एंजॉय करिए। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इस तरह से आप कॉफ़ी केक बना के ज़रूर खाइए। ये कॉफ़ी केक बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग है। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो इस तरह से ये केक बना के खाएगा, उसे बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू।